नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को पीएफ के एक नए एरर के बारे में बताने वाला हूं, जिस एरर की वजह से सभी पीएफ मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और बहुत से पीएफ मेंबर्स तो ये सोच के टेंशन में ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि भैया कहीं ये प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं के साथ तो नहीं आ रही, उनके पीएफ में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, उनके इंटरनेट में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, समझ रहे हो ना आप लोग। तो मतलब आज की वीडियो आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो हो सके तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि भैया सचमुच ईपीएफओ पूरी तरीके से पागल हो चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। एरर कहाँ पे आ रहा है ये मैं आप लोग को बताता हूँ। जो मेंबर पासबुक पोर्टल होता है ना, जहाँ से हम सभी पीएफ मेंबर्स अपनी पीएफ का बैलेंस चेक करते हैं, उस पोर्टल पे एरर आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, मेंबर पासबुक पोर्टल मैंने ओपन कर लिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एरर क्या आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, और 100% ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ रही होगी। एरर क्या आ रहा है, यहाँ पर जैसे ही हम अपना यूएन पासवर्ड डालते हैं और सिंपली कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक करते हैं ना बैलेंस चेक करने के लिए, तो कैप्चा का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। यहाँ मैंने टिक लगा दिया, आप देख सकते हो कैप्चा की जगह ब्लैंक इमेज शो हो रही है। तो भैया ये कैसे काम चलेगा, समझ रहे हो आप लोग? मतलब आप लोगों को बताऊं तो यूएन पासवर्ड डालने के बाद जो कैप्चा डालने का ऑप्शन आता है, कैप्चा दिखता है, वो कैप्चा ही शो नहीं हो रहा है। तो हम पीएफ मेंबर्स पीएफ का बैलेंस कैसे चेक करें? एरर समझ आ गया आप लोगों को? अब देखिए भैया पागल कैसे हो गया ईपीएफओ, पिछले 2-3 दिनों से मेंबर पोर्टल नहीं चल रहा था, अब मेंबर पोर्टल चलाया, उसके अंदर हालांकि अभी काफी ज्यादा एरर है, उसके ऊपर भी डिटेल में बिल्कुल वीडियो लाएंगे हम, ठीक है ना। लेकिन भाई पासबुक पोर्टल पहले चल रहा था, मेंबर पोर्टल बंद था, अब मेंबर पोर्टल चल गया और पासबुक पोर्टल बंद कर दिया गया। तो भैया क्या घटिया वेबसाइट है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एरर आप लोगों को समझ आ गया ना कि यहाँ पे ये एरर आ रहा है, ठीक है। अब बहुत से पीएफ मेंबर्स ऐसा सोच रहे थे कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं के साथ तो नहीं आ रही, जी नहीं, ये ईपीएफओ का टेक्निकल एरर है, सर्वर की इशू की वजह से जो ये कैप्चा यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तरह तरह की प्रॉब्लम्स ईपीएफओ की वेबसाइट पर आते रहती है ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जल्दी ही ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। और हाँ, ऐसे पीएफ मेंबर जो है सोच रहे थे सिर्फ दिक्कत उनके साथ आ रही है, जी नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी सोच के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम जो जो पीएफ मेंबर अपना बैलेंस चेक करने जा रहे हैं सभी लोगों के साथ आ रही है ना, तो ऐसा नहीं सिर्फ आपके साथ ही कोई निजी दुश्मनी है, जी नहीं, सबके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है और जल्दी ही ये ईपीएफओ की जो टेक्निकल प्रॉब्लम है ये सॉल्व कर दी जाएगी। अब बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन इसका क्या है भैया कि जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपको हमारे चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगी कि भैया जैसे ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो चुकी है, अब आप अपना जाके पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं। अब भैया मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं आप सुनिएगा, क्योंकि आप सभी पीएफ मेंबर्स को पता होना चाहिए कि पीएफ की वेबसाइट पर चल क्या रहा है, पीएफ पोर्टल पर चल क्या रहा है। आप लोगों को बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई नया बंदा आके आपको बेवकूफ बना दे कि ये प्रॉब्लम तो इस वजह से आ रही, जी नहीं, ठीक है ना। आपको बिल्कुल हक है जानने का कि आपके पीएफ पोर्टल पर चल क्या रहा है, क्या सर्वर का इशू चल रहा है, क्या चल रहा है, सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये टेक्निकल इशू है, हो सके तो आज शाम तक या फिर कल परसों तक तो ठीक कर दिया जाएगा। आप लोगों को हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।